स्वागत है आप सबका डिवाइन ग्रेस काउंसलर चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज मेरी कहानी मेरी जुबानी। मैंने एक पोस्ट डाली है कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर कि मेरा सिलेक्शन हुआ है एज अ गवर्नमेंट काउंसिल। तो ये जो स्टोरी है मैनिफेस्टेशन की या जिंदगी बदलने की, पूरी तरह से ये काफी सारे लोगों को इंस्पायर कर सकती है, क्योंकि मेरी जिंदगी हमेशा से तो इतनी खूबसूरत नहीं थी। मेरा काम अच्छा चल रहा था, चीजें सब कुछ ठीक जा रही थी, लेकिन मेरी इच्छाएं कुछ और थी। तो आज पूरी कहानी बताऊंगी और होप ये कहानी किसी न किसी को विश्वास दे कि जिंदगी बदलती है, तकलीफें खत्म होती है, भगवान हमारी सुनते हैं और किस तरह से सुनते हैं। तो कहानी के अंत में मैं जिन चीजों की वजह से मेरा जीवन बदला या जो जो टिप्स मैंने खुद अपने लिए नोट डाउन की है, क्योंकि पता नहीं जिंदगी कहाँ से कहाँ ले जाए, तो वो टिप एंड में शेयर करेंगे। कहानी इस तरह से है कि मेरा ये जो काम है यहाँ पे, ये तो चलता रहता है, ऑफलाइन भी चलता है, मतलब वो तो चल रहा था। मैंने एक पढ़ाई भी की है और उसमें मुझे गोल्ड मेडल भी मिला, वो जो 2 साल का प्रोफेशनल कोर्स था उसमें, वो भी कहानी मैंने शेयर की थी। तो फरवरी में मुझे उसके रिलेटेड गोल्ड मेडल मिला। तो वो जब डिग्री मुझे मिल गई ना, तो उसके बाद मेरे मन में एक अजीब तरह था, खालीपन था, मतलब कि अब आगे जिंदगी में क्या, मुझे कुछ और प्रोफेशनली ग्रो करना है, मुझे कुछ और करना है, ये मेरी इच्छा थी। और इसके पहले के जो 3 महीने हैं, जैसे कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, वो फैमिली वाइज इतने अच्छे नहीं थे। मतलब मेरे एक नियर वन जो है वो काफी मतलब हेल्थ सिचुएशन से गुजरे, और उस परिस्थिति ने मुझे तो मजबूत ही बनाया, और वहां पे भी मैंने अपने विश्वास को अड़क रख के बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जो यूनिवर्स की परीक्षा था उसमें, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जब फरवरी में फाइनली ये चीज मैनिफेस्ट हुई, मुझे मेडल चाहिए था, मुझे मिल गया, और उसके बाद एक अजीब सा खालीपन भर में था कि अब आगे क्या, करियर में क्या, प्रोफेशनली क्या, ये सब तो चलना ही है, चलता ही है, लेकिन आई वॉन्ट टू डू समथिंग विथ माई गोल्ड मेडल। क्योंकि यहाँ पे एक मेन बात आती है, मेरी बिलीफ ये थी कि हमेशा जरूरी नहीं है कि जो बच्चे स्कूल में और कॉलेज में टॉपर होते हैं वो जिंदगी में भी टॉपर साबित हो। तो ये मेरी मान्यता थी। जैसे ना मंथन मन में चलता रहता है, आप किसी को बोलते नहीं है, बट यू रियली वॉन्ट टू मैनिफेस्ट समथिंग। तो मेरी जो इच्छाएं थी वो मैं आपको छोटी छोटी सी बताती हूँ। इच्छाएं बड़ी थी लेकिन मैं यूनिवर्स को बोला करती थी, क्योंकि मैं एज एडवोकेट इस फील्ड में नाम करना चाहती थी। तो मैं सोचती थी मुझे ये पूरा कोर्ट जाने, मुझे सारे के सारे जजेस जाने, कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा मिरेकल हो कि जैसे मेरे नाम का इक्का चल जाए, सब मुझे जान जाए, मेरा नाम पेपर में आए, मुझे फेम मिले, क्योंकि मैंने बहुत सारी मेहनत की है। तो मुझे किसी ने बोला था, वहां पे एक जज ने ही मुझे बोला था, जिनसे मुझे मेरी पर्सनली मुलाकात हुई थी किसी और इंटरव्यू के रिलेटेड, तो उन्होंने मुझे बोला था कि इस फील्ड में नाम बनाने में एक पीढ़ी चली जाती है, मतलब एक इंसान की पूरी जिंदगी चली जाती है, तब जाके उसकी दूसरी पीढ़ी जो है वो उसकी फ्रूट ले सकती है। सो दिस फील्ड इज अ टफ, यू कीप गोइंग, डू नॉट लूज होप, कीप ट्राइंग। और उन्होंने मेरा हौसला ही बढ़ाया था, लेकिन मुझे एक पहलू दिखाया था, यहाँ पे काफी स्ट्रगल, लेकिन पता नहीं मेरे मन में किस तरह का एक रिदम चलता था कि नहीं नहीं मुश्किल तो नहीं है, कर लूंगी, कुछ हो जाएगा, कुछ कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादान, वो लाइन है ना, तो मौत सा कभी भी हो सकता है, मेरिकल कभी भी हो सकते हैं, हम तो यूनिवर्स के फेवरेट है, यूनिवर्स कितने वक्त से हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, हमें तैयार किया जा रहा है एक जंग के लिए, हमें कुछ पता है, हमारी अवेकनिंग हो चुकी है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ चुकी है, हमारे सामने काफ़ी सारे राज खुल चुके हैं। उसके साथ मैं जो कुंडली समझती हूँ थोड़ी बहुत, तो मेरे सितारे देख के भी मुझे लगता था कि भाई मेरी तो सरकारी नौकरी अच्छे से लग जाएगी, सरकार में भी जो कायदे की रक्षा करने वाला है वो मैं बन सकती हूँ शायद। और मैंने जब स्टडी किया था तो वहाँ पे मैंने सुना था कि डिफेंस लॉयर हो सकते हैं आप अपनी कुंडली के जो कॉम्बिनेशंस है ना उस हिसाब से। तो मैंने कहा कब मौका लगेगा, उसकी तो एग्जाम्स वगैरह आती है, जब देंगे होंगे।
अब कहानी सुनिए हुआ क्या। एक इश्तियार निकलता है कि एक नया पूरा संगठन बन रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक पूरी इंडिया में कोर्ट के अंदर, और उस संगठन के लिए पर्सनल इंटरव्यूज किए जाएंगे बाय द मोस्ट सीनियर जजेस। तो मैं ये इश्तहार पढ़ती हूँ 13 मार्च को शायद। हाँ, मैं उसको बंद कर देती हूँ क्योंकि उसमें काफी सारी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कि भाई आपको इतने इतने केस लड़े होने चाहिए। मैंने कहा इतना तो मेरे पास कुछ है नहीं, रखो इसको, और फिर मेरा जो काम चल रहा है तो उसका 2-3 दिन चला यहाँ पे। फिर मेरे मन में एक आता है कि अब तैयार नहीं हो किसी भी तरह से, मतलब आपके पास उतना वो नहीं है जितना रिक्वायर्ड चाहिए, लेकिन आपको इंटरव्यू तो फेस करना चाहिए ना। फिर वही एटीट्यूड कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल पावरफुल है, आपके पास गोल्ड मेडल है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास फील्ड का नॉलेज है, आपके पास प्रोसीजरल नॉलेज है, आपको पता है चीजें कैसे चलती है, सो जस्ट गिव इट अ ट्राई। क्योंकि 10 साल तक तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारे इंटरव्यूज तुमने फेस किए है, कुछ लोगों ने तुम्हें पास किया है, कुछ लोगों ने, लेकिन अब जाके तुम मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल तौर पे बेसिकली इतने स्ट्रॉन्ग हो दैट यू नो दैट हाउ टू गवर्न द रूम। अगर आप किसी रूम में एंटर करते हो तो उतना पावर मुझ में आ चुका है। तो फिर जब लास्ट डेट थी, शायद 20 तारीख थी, मैंने सोचा मैं भर देती हूँ। लग गया तो तीर वरना तुक्का, ठीक है। जब मैं भरने के लिए गई थी तभी से कुछ न कुछ हिंट मुझे मिलने लगी थी, लेकिन मैं बिलीव नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे अपना दिल टूटना बहुत भारी लगता। तो जब मैं देने गई तो उन्होंने मेरा पूरा बंच देखा, मेरा काफी ज्यादा लंबा चौड़ा क्वालिफिकेशन और काफी सारे मेरे सर्टिफिकेट सब कुछ है, तो मैंने सब कुछ अटैच किया था। तो फिर वो भैया बोले कि मैडम आप अपना अलग रखिए, आपका बहुत बड़ा बंच है। तो उन्होंने मुझे मैडम करके एड्रेस किया वहां पे, हालांकि बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और उन्होंने मेरा बंच, जब मैं फर्स्ट टाइम सबमिट करने गई तो वो भी था, तो उसमें भी मुझे बहुत खुशी हो गई। चलो ठीक है, मैंने सबमिट कर दिया। मैंने कहा आएंगे 1-2-3 महीने में, यहाँ पे कहाँ पे काम जल्दी चलता है। भाई साहब मुझे 4-5 दिन में ही कॉल आता है कि एक दिन छोड़ के, मतलब सैटरडे को शायद कॉल आया था और मेरा इंटरव्यू था मंडे। मैं सोच रही हूँ अब एक रात में क्या पढ़ू मैं, कितने सारे लॉ है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस वगैरह, वैसे मुझे बेसिक सब कुछ पता था, बट मैंने सोचा कि मैं अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको मैं प्रिपेयर करूंगी। तो मैंने 1-2 घंटे प्रिपेयर किया और मैंने ये सोच लिया कि मैं बहुत स्ट्रांगली, ऑनेस्टली अपने इंटरव्यू को फेस करूंगी, चाहे जो कुछ भी हो मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। मैं पहुंच जाती हूँ इंटरव्यू देने के लिए और मैं इतने सारे लोगों को देखती हूँ जिनकी प्रैक्टिस जो है वो 5-10 साल की है कोर्ट में, और उसको देख के थोड़ा बहुत मेरा आत्मविश्वास डगमगा जाता है कि कायदे की बात तो हमें पता नहीं है, क्या करेंगे, कुछ लोगों को हमसे ज्यादा पता है। फिर मैं वहां पे स्टार्ट करती हूँ अपनी चैंटिंग, ठीक है। जब भी मुझे डर लगता है तो आई डू स्टार्ट चैंटिंग और वो मैं बोलती हूँ ओम शक्ति शिवाय नमः। तो वहां पे इंटरव्यू रूम के बाहर बैठे बैठे मैंने बोला ओम शक्ति शिवाय नमः, ओम शक्ति शिवाय नमः। और फिर जो प्रार्थना मैं हमेशा करती हूँ कि मैं अपने सारे एंजल, स्पिरिट गाइड, मेरे पूरे एंसेस्टर, मेरी पूरी सोल फैमिली की दुआएं अपने साथ, अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद, दादा दादी, नाना नानी सबका आशीर्वाद, मेरे कुल देवी जी का आशीर्वाद और मेरे प्यारे सारे प्रभु का आशीर्वाद, जो यहाँ पे हनुमान जी सबको, गणेश जी जिनके भी मंदिर जाती हूँ, सबका आशीर्वाद लेके मंदिर जा रही हूँ। बस मुझे इतने स्ट्रेंथ देना कि मैं जो भी मेरी स्पिरिचुअल टीम है उनको मैं लेट डाउन ना करूं। उन्होंने मुझे आज तक इस क्षण के लिए तैयार किया है। तो आज 5 बड़े बड़े जो जज है मेरे शहर के वो मेरे सामने बैठे हैं, सो आई डू नॉट लेट देम डाउन एंड माई इंटरव्यू गोज स्मूथ एंड गुड। आई गो देयर विद द एटमोस्ट कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब भी मैं चैंटिंग करती हूँ मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है। मैं अंदर जाती हूँ, मेरा इंटरव्यू ट्रिकी होता है काफी ज्यादा, मतलब मुझे क्वेश्चंस मैं रिवील नहीं कर सकती क्योंकि ये एक प्राइवेट बात हो जाती है, बट यस ट्रिकी होता है, जिसको सुन के आपको नहीं लगेगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा क्योंकि आपकी बातों को बहुत घुमाया जाता है, आपको प्रेशराइज किया जाता है। बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट काइंड ऑफ होता है कि वो देखना चाहते हैं वेदर यू लूज योर टेम्पर और नॉट, वेदर यू डेविएट फ्रॉम योर पॉइंट और नॉट, वेदर यू आर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ और नॉट। दिस वॉज वन ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। आके मैं अपने घर पे बोलती हूँ कि काफी
ट्रिकी था मेरा इंटरव्यू, आई एम नॉट श्योर ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उसके 4 या 5 दिन तक इंटरव्यू चलता है, मैं डेली जाती हूँ कोर्ट, तो मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े दिग्गज ने भी इंटरव्यू दिया है मेरे पीछे। लगभग 150 लोगों ने पर्चा भरा था, सभी ने इंटरव्यू दिए है, तो मैं अपनी होप ऑलमोस्ट लूज कर देती हूँ कि इसमें मेरा नहीं होगा। लेकिन जैसे सबकॉन्शियस है ना, वो फ्लैश दिखाता रहता है, मेरे मन में ऐसा लगता था कि हाँ ये आ जाएगा तो मेरा तो कोर्ट में रूम हो जाएगा, मुझे जगह मिल जाएगी। अभी कुछ ही दिनों की बात है, पता नहीं मेरे मन में क्यों ऐसा चलता रहता था, जैसे अंदर से किसी को विश्वास था कि मेरा होना ही है। वैसे बाहर की सारी परिस्थितियां बता रही थी कि तुमसे बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे हुए हैं, तुमसे ज्यादा नॉलेजेबल है, स्किल्ड है, उनका एसोसिएशन ज्यादा है, शायद इंटरव्यू भी अच्छे गए होंगे, तुम्हारा कैसे होगा। खैर अभी ये जो मुझे इंटरव्यू आया था ना, वो मैं अपने कुलदेवी जी के मंदिर गई थी, उसके बाद आया था तुरंत, और नवरात्रों में जब चैत्र नवरात्र थे उसमें मेरे इंटरव्यू हुए। और उसके बाद फिर से हमारा किसी कारण से हमारी कुलदेवी माँ के मंदिर जाना हुआ। इस बार मैं अपने माता पिता के साथ गई थी। वहां से मैं आई और लगभग 7:07 हुए थे उस दिन, अप्रैल में अभी। और मुझे एक भाई बोलते हैं कि आपको आना है कोर्ट, आपके 5 फोटो आई कार्ड ये सब लेके। मैंने कहा भाई क्या हुआ, तो बोलते हैं आपका सिलेक्शन हो चुका है। और मैं समझ ही नहीं पाई, मैंने कहा क्या सच में। और फिर मैंने घर पे बोला कि मैं कल जाऊंगी, मैं वेरीफाई करूंगी मेरा सच में हुआ है या नहीं, बिकॉज आई कैन नॉट स्टिल बिलीव। मैं दूसरे दिन जाती हूँ, सारी प्रोसेस की, उन्होंने मुझे सैलरी बोली, उन्होंने फिर बोला कि ओपनिंग होगा, ग्रैंड ओपनिंग हुआ। क्या क्या हुआ वो मैं बता देती हूँ। पूरे कोर्ट में पोस्टर्स लगे, काफी सारे लोगों की दुआएं आई, एक ग्रैंड ओपनिंग, एक बड़ा सा ऑफिस ओपन हुआ, मुझे ऑफिस दिया गया, एक पावरफुल पोजीशन अपने सिटी में, एक बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन मुझे मिली, उसके लिए ट्रेनिंग भी मुझे मिली, काफी सारे नए लोग अपने जीवन से जुड़ गए, कुछ ऐसा काम करने का मौका मिला जो मेरी रूह करना चाहती थी, ऐसी पावर पोजीशन मिली। इसके बाद भी मेरी एक इच्छा थी कि न्यूज़पेपर में नाम आए, तो आ गया था मेरा नाम, मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है, लाइक अराउंड 4th और 5th अप्रैल को आया होगा शायद, वो न्यूज़पेपर मेरे ध्यान से चला गया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी 17-18 अप्रैल के अराउंड मैं घर में, वो जो हम रैकेट मतलब जो स्पेस होती है वहां पे कई बार पेपर न्यूज़पेपर लगा देते हैं, उसके ऊपर डब्बे लगाते हैं, तो वो लगाने के लिए मैं न्यूज़पेपर निकाल रही थी। मैंने खोले उसको डब्बे के नीचे लगाने के लिए मेरे किचन में, और मैं मेरी नजर एकदम से एक आर्टिकल के ऊपर पड़ती है जहां पे टाइटल में लिखा हुआ है मेरा नाम एंड मेरी सैलरी, मतलब ये एक्चुअली सिटिंग में स्पेसिफिकली हुआ तो। और मैं भाई साहब उस दिन मेरी आंखों से जो आंसू बहे हैं, इट वॉज अ मिरेकल, मिरेकल मतलब ये मुझे चाहिए था ना, ये कुदरत ने किया था, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया था, मुझे पता नहीं था, वो समय निकल गया, मुझे मुझ तक वो कटिंग आई भी नहीं किसी भी जरिए से, तो कुदरत को दिखाना था मुझे, एंजल्स को, स्पिरिट को, यूनिवर्स को, मेरी माता रानी को मुझे दिखाना था कि देखो मैंने तुम्हारा हर चीज को सुना है, तो ये तो एक मौजा है, मैं काम कर रही हूँ, मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, सीख रही हूँ, बट मेरी जो पिछले कुछ सालों की सीख है ना, वो मैं अपनी सोल फैमिली के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो इसमें मैनिफेस्टेशन जो है ना, वो बाई प्रोडक्ट होता है, आपके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, बट जो चीजें मुझे समझ में आई है कि पहले कुदरत आपको तैयार करती है, जैसे कि मेरे अंदर समझ, ताकत, विश्वास, आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ाया गया, चीजें होती गई, चीजें बदलती गई, मेरे सामने वीडियोस, बुक्स, लोग आते गए, मुझे अपने जो काउंसलिंग के सेशन से उसमें से भी काफी सारी चीजें ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में सीखने को मिली, मैंने कुछ सर्च कर करके कितना कुछ सुना, मैंने अपने आप के ऊपर काम किया, पॉजिटिव किया, तो यूनिवर्स ने सबसे पहले मेरे ऊपर काम किया, मुझे उतना सक्षम बनाया, और उसके बाद मतलब जो भी है वो मैनिफेस्ट तो हो ही रहा है ना, ऐसा नहीं है कि मैं इसको मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ लिख रही हूँ, कुछ दुआएं मांग रही हूँ, ये तो
हो ही रहा है, मतलब आप इतने अच्छे वाइब्रेशन में, इतने अच्छे जोन में आ जाते हो कि सारी आपकी इच्छाएं धीरे 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 सही समय के ऊपर, जैसे बोलते हैं ना डिवाइन टाइमलाइन, तो हर एक की एक टाइमलाइन है, उनके समय पे वो चीजें हो जाती है। लेकिन कुदरत आपके ऊपर काम करती है, आपको तराशना चाहती है, तकलीफें मैंने कम नहीं सही है दोस्तों। इस यहाँ पे जब ऑफिस का ओपनिंग हुआ ना, तो हमारे जो सबसे बड़े जज साहब है, उन्होंने बोला था कि इस बेटी के हाथ से ओपनिंग होगी। तो मेरे आंख से जो आंसू बहे हैं ना, क्योंकि मेरी भी बहुत नाकदरी हुई है। मेरी पिछली कुछ जब जॉब थी, तो मैंने बहुत, मतलब मैंने अपना जी जान तोड़ तोड़ के मेहनत की थी, मेरी जरा भी कदर नहीं हुई थी और मेरी कोई वो नहीं थी। और यहाँ पे डे 1 पे, मतलब इतने बड़े लोग चाहते हैं कि, क्योंकि मेरी उम्र सबसे छोटी है यहाँ पे, तो आई एम द यंगेस्ट वन टू बी हायर, तो उन्होंने बोला कि इनके हाथों से दीप प्रागट्य होगा। तो मतलब भगवान आपको कौन सी पोजीशन देना चाहते हैं आपको नहीं पता है। तो जो भी तकलीफ में है, जो भी दुख में है, प्लीज हिम्मत ना हारे, अपने ऊपर काम करते रहे, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करें, अपनी कुलदेवी के ऊपर भरोसा करें, जिस भी शक्ति के ऊपर आपको विश्वास है, आप उनसे जुड़ते रहे, आप उनसे मांगते रहे, अपने आप के ऊपर काम करते रहे, अपने आत्मविश्वास के ऊपर, अपने आप को पॉजिटिव रखने के ऊपर, अपने कोई भी क्रिएटिव काम है जो आपको पसंद है उसके ऊपर ध्यान दे, एक्सरसाइज करे, हेल्थी रहे, खुश रहे, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव कंटेंट से भर दे, ऐसे एनलाइटन लोगों को सुनिए जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाए, हौसला बढ़ाए, हिम्मत बढ़ाए। पहले कुदरत आपको तैयार करता है, उसके बाद जब आप तैयार हो जाते हैं, उसके बाद आपका जीवन एक और अलग राह के ऊपर निकल जाता है, जो आप बिल्कुल समझ भी नहीं पाएंगे कि कैसे हुआ ये सारी के सारी चीजें। तो इट इज अ मिरेकल, बट इट इज नॉट ऑल्सो, लाइक यूनिवर्स हैज वर्कड ऑन मी, यूनिवर्स इज वर्किंग ऑन यू टू। अगर आप किसी भी तरह की तकलीफ में है, और हाँ ये भी चीजें बहुत सारे, मुझे 2 2 2 और 5 5 5 दिखे थे जब ये मैनिफेस्टेशन होने वाला था, उसके पहले, इसके पहले भी मेरे जीवन में काफी अच्छी 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 चीजें हुई है। वो फैमिली वाला तो हुआ, लेकिन उसके साथ मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ी, समझ भी बढ़ी, ज्ञान भी बढ़ी, विश्वास भी बढ़ा, आत्मविश्वास भी बढ़ा, और सरेंडर भी बढ़ा, सरेंडर भी बढ़ा इस तरह से कि मैंने सोचा कि आपको देना है तो आप दो, आपको नहीं देना है तो मत दो। आपकी जिंदगी है, मेरे जीवन का एक मकसद है कि मैं लोगों को काम आऊं इस तरह से या उस तरह से, आप बस मुझे ताकत दो, समझ दो, साहस दो, और इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए जो भी चाहिए वो सारे के सारे चीजें दो। मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे जीवन का एक मकसद है, आप मुझे यूज करो, दैट्स इट, एंड आई सरेंडर, एंड इट हैपेंड, द मिरेकल हैपेंड, ओके, दैट्स इट। गॉड ब्लेस यू ऑल, जो भी सुन रहा है उसके सारे के सारे सपने सच हो, वो मुझसे ज्यादा सफल हो, खुश रहे, सुकून से रहे, प्रभु